Hello friends, my name is Shubham Singh. Again welcome you in the Mark Mac channel. So today is also been a very important topic. इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था वो वीडियो बनाया था कि किस तरीके से अगर आप सर्विस इनिशियली अगर आप सर्विस स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपको जो पॉइंट्स हैं मैंने काफ़ी सारे उसके अंदर 3 या 4 पॉइंट्स बताए थे और उसके अंदर ये बताया था कि किस तरीके से अगर कोई भी आप सर्विस स्टार्ट करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज भी सर्विस रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हम कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी सर्विसेज के अंदर, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे. जो पार्टिसिपेशन है कस्टमर का उसको हम किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में आज हम एम्फेसाइज करेंगे और कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी जो स्ट्रेटजीज हैं अगर वो अगर हम इन्वॉल्व करते हैं हमारी सर्विसेज के अंदर तो हमारा जो बिजनेस है उसको हम इंटेंसीफाई कर सकते हैं. तो आज का जो वीडियो है ये इसके बाद आज के वीडियो के अंदर हम लोग 7 पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो 7 पॉइंट्स हैं इन 7 पॉइंट्स को हम इन्वॉल्व करें हमारे बिजनेस के अंदर और हमारे बिजनेस को हम सर्विस बिजनेस को हम इंटेंसीफाइड करें इन 7 स्ट्रेटजीज को इन्वॉल्व करके इन बिजनेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की आज हम लोग बात करते हैं टेक एडवांटेज ऑफ इनोवेशंस एंड मार्केट टेक्नोलॉजी. बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट. जैसा कि सिनेरियो है, जितने भी मार्केट के अंदर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं सबसे काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो बिल्कुल इनटेंजिबल तो है ही हैं लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और वो अपना जो कस्टमर है वो उसको इजीली ग्रैब कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने का कोशिश करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस. ठीक है, टेक्नोलॉजी इन द सेंस अगर कोई कस्टमर कोई भी सर्विस अगर आप कोई अपने कस्टमर को दे रहे हैं और उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए या इस तरीके का प्लानिंग आपके पास होना चाहिए कि आप उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लें. काफ़ी हद तक ऐसा भी होता है, काफ़ी हद तक ऐसा कस्टमर मानते हैं कि जो उनका जो फीडबैक वो जो देते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाता ड्यू टू दैट लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो काफ़ी ऐसे भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे टुडे जो मार्केट के अंदर ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इंस्टेंट इन द 24 आवर्स वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसका आप बिजनेस के अंदर यूज़ करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं और अगर कोई क्वेरी आती है कस्टमर की विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग तो आप उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें. उसके लिए आपको जो आपका जो इनोवेशन फैक्टर है, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. और वो अपग्रेड कैसे होगा, मैंने पहले भी ऐसा बताया कि सबके जो अपग्रेडेशन पॉइंट है, जो इनोवेशन पॉइंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वेराई करते हैं. हो सकता है कि जो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर हो और आप जो हो उनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो तो आपको आपका जो कंपिटिटर है उसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके के कौन कौन से पॉइंट्स वो यूज़ करते हैं क्वेरीज को सॉल्व करते टाइम. ठीक है, उसको ध्यान में रख करके आपको जो आपका जो टेक्नोलॉजिकल जो इन्वॉल्वमेंट है अपनी सर्विसेज के अंदर उसको बढ़ाना पड़ेगा और अपनी जो सर्विसेज है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में आज हम लोगों ने बात करी. सेकेंड हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटेड सेल्स फोरकास्टिंग. इसका मतलब क्या है, सेल्स फोरकास्टिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्री डिटर्मिनेट डिसीजंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. कोई भी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने से पहले किस किस तरीके के आप प्री डिटर्मिनेट डिसीजंस लेते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, कौन कौन सी नीड है, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो वेरीफाई कब होंगी, जब आप ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर इंक्लूड है आप जल्दी से जल्दी फीडबैक किस तरीके से कस्टमर के ले सकते हैं, उसकी जो नीड है उसको किस तरीके से आप एवल्यूएट कर सकते हैं, उसको आप किस तरीके से कॉन्टेम्पलेट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. सोशल मीडिया की आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, आप डिफरेंट चीज आप ईमेल डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं कस्टमर को और उससे फीडबैक ले सकते हैं. बहुत ज़्यादा
काफ़ी सारी चीज़ हैं कि आप कस्टमर का जो जो उसकी जो नीड है, जो उसका जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सर्विसेज में इसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात फर्स्ट हम लोगों ने बात करी, एडवांटेज इनोवेशंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमको इसमें इन्वॉल्व करना है। सेकेंड, ऑटोमेटेड सेल्स प्रोसेस। थर्ड हम लोग बात करते हैं हाई कंपेंशेट स्टाफ, स्किल स्टाफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टाफ तो रख लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है उनके पास, लेकिन स्किल स्टाफ नहीं है। स्किल स्टाफ कैसा होना चाहिए कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेरीज जो आ रही हैं, उसको आप जल्दी से जल्दी कितना रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई अगर नया कस्टमर आपके पास आता है तो उसको आप किस तरीके से कन्वेंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को लेके। तो हाईली स्किल्ड स्टाफ का होना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एसेंशियल है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं और अगर आपने आपके जो स्टाफ है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आपने कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी है और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेनिंग अगर वो कस्टमर वो लीड जनरेट कर रहा है और प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है और लीड आ रही है, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपका काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, अगर जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना स्किलिस्ट नहीं है, वो कन्वेंस नहीं कर पा रहा, तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यू आर जस्ट उसको स्विच्ड आप मत कराइए, आप उसको ट्रेंड करिए, वेल ट्रेंड करिए और वापस से जो उसका जो लीड जनरेशन है उसको अपग्रेड करिए, उसके जो स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करिए और जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इस तरीके से अपग्रेड करिए कि वो आपको ईजिली लीड ला के, आपको इजीली कस्टमर ला के देते। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किस लेवल का है, कौन से स्किल्स हैं उसके पास, रियली देयर हैव द स्किल्स टू कन्विंस द कस्टमर और नॉट। फिर हम लोग बात करते हैं कंपनी एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजी। ये क्या होता है, आपके पास स्किल एम्प्लॉय तो है, ठीक है, लेकिन स्किल एम्प्लॉय भी वर्क तभी करेगा जब उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा या फिर कुछ उसके लिए बेनिफिशियल्स जो चीज़ है आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तभी उसको जो मोटिवेशन फैक्टर है वो तभी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और वो जो वर्क है, प्रोग्रेस है, वो आपको दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप किस तरीके के अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके की बेनिफिशियल्स चीज़ दे रहे हैं और उसको अपग्रेड तो आप कर ही रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, लेकिन उसके लिए उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स आप उसके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन रिसोर्स जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है उसकी उसकी तरक्की के लिए, उसकी उसको इंटेंसिफाइड करने के लिए, उसकी अपग्रेडेशन के लिए आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या सिक्योर है आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो स्टक रह सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप वेरीफाई करिए कि आपका जो स्किलिस्ट एम्प्लॉयज है वो कैसे हैं और फिर उनको स्टक करने के लिए आप कुछ उनको बेनिफिशियल चीज़ प्रोवाइड करते रहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं चूज़ राइट कस्टमर। कस्टमर टारगेट टारगेट सेगमेंट की मैंने पहले ही बात करी है कि आपको जो राइट कस्टमर है उसको किस तरीके से चूज़ करना है, जिसको आप हमेशा जो आपका जो डिसाइडर कस्टमर है आप उसके उसको ही फॉलो अप करें, ठीक है। जो कस्टमर डिसाइड नहीं कर रहा प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले, आपकी सर्विसेज को लेने से पहले, उसमें एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो राइट कस्टमर चॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टारगेट सेगमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट सेगमेंट का मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो है वो बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर वो वेरिएशन आया और वो डिसाइडर नहीं है और स्टिल आप अगर आप उसको कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, आपका जो कस्टमर है उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, वो डिसाइडर है और वो इंटरेस्टेड है कि नहीं वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है। नीड उसकी पता चल गई, लेकिन अगर कुछ उसको प्रॉब्लम आ रहा है और अगर उसको कोई क्वेरी है सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करिए, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और काफ़ी ज़्यादा थिंग्स मैंने ऐसा देखा है कि जो मार्केटर होते हैं वो खुद इतना आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कस्टमर के साथ कि जो कस्टमर है वो स्विच करके चला जाता है। तो आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है, आपको जो प्रॉब्लम है
क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम है यू आर जस्ट ट्राई टू गेट सॉल्व इट एज मच एज अर्लीस्ट पॉसिबल. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर हम लोग बात करते हैं गेट रेफरल फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर. अब एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या होता है, आपने फीडबैक ले लिया, आपका जो कस्टमर है एग्जिस्टिंग कस्टमर से फीडबैक ले लिया. अब वो जो कस्टमर है अगर आपने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उसका फीडबैक को आपने देखा है समझा है और उसका सॉल्व किया प्रॉब्लम, तो आपका ये जो कस्टमर है ये कस्टमर हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा लीड लाकर दिए दे. इससे पहले कि मैंने पोटेंशियल कस्टमर की बात करी है, मैंने आइडियल कस्टमर की इससे पहले वाली वीडियोस में बात करी है कि आइडियल और पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं. ये आइडियल और पोटेंशियल कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं जो आपको लीड जनरेट करके देते हैं. जो कस्टमर आपसे फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, हाईली सेटिस्फाइड होता है, वो इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में वो आपको और भी ज़्यादा बिजनेस में बिजनेस ला कर दे. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कस्टमर अभी प्रेजेंटली जो कस्टमर आपके पास है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप वेरीफाई करें और अपनी जो सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएशन ला के उसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है उसको भी आप सॉल्व करने का ट्राई करें. तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसका प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना ही है. अगर वो फीडबैक दे रहा है इन द फ्यूचर उसको आपको सॉल्व भी करना है, क्योंकि यही जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है यही आगे जाके आपका पोटेंशियल कस्टमर बनेगा या फिर आइडियल कस्टमर बनेगा जो और कस्टमर्स आपको लाकर देगा, जो लीड जनरेट करके आपको देगा. ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, रिवॉर्ड कस्टमर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन. अगर वो आपको कोई दूसरा कस्टमर लाकर दे रहा है, आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपको अगर कोई नया कस्टमर लाकर दे रहा है या नया क्लाइंट लाकर दे रहा है, तो उसको रिवॉर्ड्स पॉइंट कुछ ना कुछ आप इस तरीके का प्री डिटर्मिनेट प्लान करिए कि आप उसको कुछ ना कुछ आप उसको प्रोवाइड कर सकें. उसको हो सकता है कि आप कुछ कूपन सिस्टम के बारे में मैंने बात करी थी वो कुछ प्रोवाइड कर सकें, या फिर कोई रिलैक्सेशन आप उसको दें, ताकि जो कस्टमर है जिसने आपको नए कस्टमर्स ला कर दिए हैं, न्यू क्लाइंट्स ला कर दिए हैं, वो स्टक रहे और जो उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है आपको नए क्लाइंट्स लाने में वो ख़राब ना हो. तो इससे तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको भी आप कोई चीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो अट्रैक्ट रहे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इन द फ्यूचर वो काफ़ी और बेनिफिशियल चीज़ करता रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, आप एक एल्युमिनियम ग्रुप बना सकते हैं जो आपके जो पास्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपको इस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखना है उनके साथ, इस तरीके से बॉन्डिंग बनानी है कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप मार्केट के अंदर एकम्प्लिश करते हैं, कोई भी सर्विसेज अगर आप एकम्प्लिश करते हैं, तो आपके जितने भी कस्टमर थे या जितने भी क्लाइंट्स थे पास्ट क्लाइंट्स थे, उनको काफ़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में मिलनी चाहिए. तो आपको एक कम्युनिटी डेवलप करनी है जहाँ पर आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो हों, आपके जहाँ पर जितने भी जो कस्टमर्स जो ऑलरेडी जो सर्विस ले चुके हैं आपसे वो सारे हों, और कोई भी न्यू सर्विस अगर आप इन्वॉल्व करते हैं मार्केट के अंदर, एकॉम्प्लिश करते हैं मार्केट के अंदर, तो उनका इन्फॉर्मेशन उनको मिलना चाहिए. तो ये 9 पॉइंट्स के बारे में आज हम लोगों ने बात करी कि आपने जो सर्विस है वो सर्विस तो आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किस तरीके से आप जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करते हैं, ये 9 पॉइंट्स के बारे में जो मैंने बात करी, अगर ये 9 पॉइंट्स अगर आप अपनी सर्विस में इन्वॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो बढ़े और आपका जो टारगेट सेगमेंट है आप उसी के ऊपर स्टक रह करके अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा पाएं. ठीक है, तो ये 9 पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको इवेल्युएट करना और इसको बिजनेस के अंदर एकॉम्प्लिश करना. ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस हम लोग आगे भी बनाते रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज इस मार्क मैक चैनल पे हम लोग बनाते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए. बहुत ज़्यादा काफ़ी हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस मैन है, वो काफ़ी ज़्यादा जो सर्विसेज में जो इन्वॉल्व हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि वो लोग समझ पाएं कि एक्चुअल अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो किन किन पॉइंटों की एक्चुअल में ज़रूरत है और वो किस तरीके से अपना जो बिजनेस है वो इसको एकॉम्प्लिश कर सकें. सो अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक्स गाइज़.